सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज फिर हम दोबारा से बात कर रहे हैं नी पेन के बारे में। नी पेन जो कि तकरीबन कॉमन है, तकरीबन हर परिवार के अंदर किसी ना किसी को नी पेन तो होता ही है, तो नी पेन को हमने एक्सरसाइज के जरिए कैसे ठीक करना है वो आप पवन जी आपको उसके बारे में बताएंगे, हमने उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज यूज़ करनी है। नी पेन में ज़्यादातर पेशेंट को हमने देखा है नी कैप में बहुत ज़्यादा टाइटनेस रहता है, तो सबसे पहले हम नी पेन में पेशेंट की नी कैप को देखेंगे कि उसकी हालत क्या है। जैसे मेरे वाले नी कैप देखिए आप, आराम से फ्लेक्सिबल है, लेकिन पेशेंट को बहुत करकर की आवाज़ आती है जिनके एसिड वगैरह जमा हुआ होता है या किसी भी कारण ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। तो सबसे पहले हम दोनों अंगूठों से नी कैप को बाएं दाएं दाएं बाएं ऐसे करेंगे 10-10 बार, फिर हम ऊपर नीचे करेंगे। अब ये देखिए आराम से हो रही है, लेकिन आप पेन वाले पेशेंट को देखेंगे तो इतना आराम से नहीं होगी, इसलिए आराम से करना है। जैसे बिल्कुल धीरे से आगे लेके गए, फिर ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके गए, ऐसे 10-10 बार दोनों प्रक्रिया को दोहराना है। फिर पैर को हमें खिंचाव देना है, दोनों पैरों में पंजे को आगे की तरफ जितना कोशिश हो सके खींच के, जितना कोशिश हो सके अंदर की तरफ लाइए, 5-7 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। ST36 जो है वो एक्यूप्रेशर में है, वैसे अगर कॉमन भाषा में वो अपना योगा की तरफ देखेंगे तो इसे 4 अंगुल नीचे लेकर के इस पॉइंट को बिल्कुल हड्डी के साथ में 3-3 सेकंड का 10 बार प्रेशर देंगे, 1-2-3 ऐसे, 1-2-3 यानी कि 3 PP प्रेशर हम 10 बार देंगे ST36 पर। उसके बाद में हम खड़े होकर के भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। खड़ा होकर के दोनों नी कैप को आप आराम से दबाना नहीं, आराम से पकड़ लेना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उसके बाद में फिर सीधे बैठ जाना है। दोनों नी कैप पर हाथ रखिए, ऊपर उठाइए नीचे करिए, ऊपर उठाइए नीचे करिए, ये 1-2 मिनट दोहरानी है ये प्रक्रिया। फिर हमें घुटने, एक घुटने पर अपना एंकल रखनी है, जमीन पर टिकाने की कोशिश करिए, नहीं टिकता है कोई दिक्कत नहीं है, जितना टेक सको उतना टेक सकते हो, ऐसे ही इस पैर में दोहरानी है, दोनों पैरों में 7-7 दोहरानी है 3-5 बार। ये एक्सरसाइज अगर साथ में एक्यूप्रेशर के साथ में करेंगे तो नी कैप में जल्दी राहत मिलेगी। धन्यवाद।